ऐसे ही पकड़े हैं। ये कहानी है चित्तौड़ की खूबसूरत रानी पद्मावती और उसके प्यार में पागल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। मध्य युग में ये कहानी इतनी प्रचलित थी कि इस पर एक पूरे का पूरा ग्रंथ पद्मावत लिख दिया गया। रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार था। किसी कारणवश उसे राज्य से निकाल दिया गया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। खिलजी के पास जाकर राघव चेतन ने उसे पद्मावती के रूप का बखान शुरू कर दिया ताकि सुल्तान उसे पाने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर दे। उसने सुल्तान को बताया कि पद्मावती जैसी सुंदर स्त्री इस धरा पर कहीं नहीं है। उसका रंग ऐसा है कि अंधेरे में भी देख लो तो लगे कि पूर्णिमा का चांद निकल आया है। उसकी कमर इतनी पतली है कि पुरुष की मुट्ठी भर में समा जाए और उसके होंठ मानो गुलाब की मुलायम पंखुड़ियां हों। वो एक ऐसी सुंदरी है कि एक बार जो उसे देख ले वो शख्स फिर किसी काम का न रहे। रानी के रूप का ऐसा बखान सुनते ही खिलजी की वासना जाग उठी और उसने तुरंत चित्तौड़ जाने की तैयारी खींच ली। राजा रतन सिंह सुल्तान की मंशा तो जानते थे, लेकिन उसके क्रोध से अपने राज्य को बचाने के लिए वे उसकी बात से सहमत हो गए। रानी पद्मावती सुल्तान को अपनी झलक दिखाने को तैयार तो हो गई, लेकिन केवल प्रतिबिंब में। इसके लिए किले के एक ऊंचे बुर्ज में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया। उसके सामने एक आईना लगा दिया गया। उस बुर्ज के एकदम नीचे एक तालाब था जो बुर्ज में लगे आईने में साफ दिखाई देता था। तालाब के किनारे पर रानी पद्मावती खड़ी हो गई। अब रानी पद्मावती का प्रतिबिंब तालाब के पानी में पड़ा और तालाब का प्रतिबिंब उस आईने में दिखाई दिया जहाँ से पहली बार सुल्तान खिलजी ने रानी पद्मावती के रूप को देखा। पद्मावती के रूप के बारे में सुल्तान खिलजी ने जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। पद्मावती को देखते ही अलाउद्दीन ने उसे अपना बनाने की ठान ली। उसने रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। राजा रतन सिंह को उनके दो साथियों गौरा और बादल ने बड़ी ही सावधानी से सुल्तान के चंगुल से छुड़ा लिया। सुल्तान इस बात से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत किले पर हमला कर दिया। उसके सैनिकों से लड़ते हुए राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। ये सुनकर पद्मावती ने सोचा कि सुल्तान की सेना चित्तौड़ की सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो विजयी सेना के समक्ष अपना निरादर सहें या फिर जौहर के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। सभी महिलाओं का पक्ष जौहर की तरफ ही था। एक विशाल चिता जलाई गई और रानी पद्मावती उस आग में कूद गयी। उनके बाद चित्तौड़ की सभी औरतों ने उस जलती चिता में अपनी आहुति दे दी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जब उसने किले में प्रवेश किया तो उसे केवल राख और जली हुई हड्डियों के सिवा कुछ भी न मिला। ये थी चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी, जो सदियों से बड़े ही गर्व के साथ सुनाई जा रही है।